एक और इंदौर में अगली बार अंतर्राष्ट्रीय मैच होगा या नहीं, इसमें संशय की स्थिति बनी हुई है। ऊपर से अब MPCA पर घोटाले कनित में आरोप लग रहे हैं। एक बार फिर मध्य प्रदेश कांग्रेस के सचिव राकेश यादव ने कई प्रमाण के साथ MPCA पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सचिव राकेश यादव लगातार MPCA से जुड़े कई मामलों को उजागर करते आ रहे हैं। उन्होंने पूर्व में टिकट की कालाबाजारी और इससे संबंधित कई आरोप लगाए थे। शनिवार को महिलाओं के साथ MPCA के बाहर भ्रष्टाचार को प्रदर्शित करने वाली रंगोली बनाने जा रहे थे, लेकिन उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी गई। इस मामले में यादव ने MPCA के साथ पुलिस को भी कटघरे में खड़ा किया है। देखिए, MPCA के सामने आज भ्रष्टाचार के विरोध में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। ये एक अभिव्यक्ति के प्रदर्शन था जिसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ हम ये दर्शाना चाहते थे कि MPCA के लोगों ने किस तरह से इंदौर की जनता को लूटा है। इसके लिए विधिवत जो अनुमति का प्रोसीजर होता है वो हमने सभी जगह DIG SP सबको लेटर दिए थे, लेकिन पिछले चार दिन से हमें कोई सूचना नहीं दी गई। रात में 9 बजे संबंधित थाना प्रभारी फ़ोन करके ये बोलते हैं कि कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जा रही है, आप कार्यक्रम ना करें, क्योंकि हम एक अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक ऐसी संस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं जिसने GST चोरी की है, जिसने मनोरंजन कर चोरी किया है, जिसने इंदौर की जनता को टिकट की ब्लैक मार्केटिंग करके लूटा है। उसका साथ अब इंदौर की पुलिस दे रही है, उस क्षेत्र के थाना प्रभारी दे रहे हैं। उन्हीं के थाना क्षेत्र में टिकट ब्लैक मार्केटिंग हुई, उन्होंने एक भी टिकट ब्लैक करने वाले को नहीं पकड़ा। अब छोटे से टिकट के माध्यम से या कुछ पासों के माध्यम से इस तरह से पुलिस अगर भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रदर्शन को रोकती है तो पुलिस का भी वो चेहरा, भ्रष्टाचारी चेहरा सामने आता है जो कि आम तौर पे जनता जानती है। इस सारी बात से मैंने मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया है, उनको भी ट्वीट कराया, उनको भी पत्र भेजा है कि एक तरफ आप बोलते हैं कि भ्रष्टाचार के विरोध में बोलो, हम सरकार के टैक्स वसूलना चाहते हैं, इतना करोड़ रुपये खा चुके हैं रोहित पंडित और अभिलाष खांडेकर, अब वो पुलिस के माध्यम से प्रदर्शन रुकवा रहे हैं। जो संदेश हमें देना था वो हम दे चुके हैं, इंदौर की जनता भी समझ चुकी है हमारे लगाए गए आरोप सही हैं, इसलिए तकलीफ हो रही है, इसलिए वहाँ पुलिस लगाकर हमें रोका गया। हम कानून का उल्लंघन नहीं किया और इस आयोजन को अभी निरस्त करा, स्थगित करा। फिर से हम परमिशन मांगेंगे, उसी थाना प्रभारी से मांगेंगे, जब वो परमिशन देंगे फिर से वो भ्रष्टाचार विरोधी रंगोली होगी। हम भी देखते हैं कि कब तक ये पुलिस वाले भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होकर हमें रोकते हैं। कानून के अनुसार काम किया जाएगा और अब अगले पायदान पे जो भ्रष्टाचार के और मामले हैं वो पुलिस के समक्ष भी ले जाए जाएंगे जब पता चलेगा कि ये लोग कार्रवाई करते हैं, भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं।